गर्मी के मौसम में शहर के कई इलाकों में पेयजल व सीवर की समस्याएं लगातार बढ़ रही हैं, जिसके चलते गांधीनगर क्षेत्र के नागरिकों ने समस्या का समाधान नहीं होने पर रोष मीटिंग की और सीएम मनोहर लाल का पुतला फूंका। इस दौरान उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक पेयजल व सीवर का स्थायी समाधान नहीं होता, प्रत्येक रविवार को सीएम का पुतला फूंकते रहेंगे। गांधीनगर में पानी 20-25 दिन हो गए बिल्कुल नहीं आ रहा। हम इतने परेशान हो रहे हैं, सबके पास अपनी दरखास्त लगा लगा के थक लिए, अब इसका हमारा कोई संवेदन नहीं हो रहा, कोई सुनाई नहीं हो रहा। मैं पार्षद महेश गुप्ता, वार्ड नंबर 2 गांधीनगर। मेरे वार्ड की महिलाएं मेरे पास कई दिन से आ रही हैं पानी की समस्या को लेकर। मैंने अधिकारियों से भी बात की है, मैंने उनको लिखित में पत्र भी दिया है कि भी मेरे वार्ड में पानी की दिक्कत है तो उसको आकर के उसका समाधान करें। ना तो कोई JE आता है, ना कोई फोरमैन आता है, ना कोई SGO आता है, ना आकर के हमारे से पूछते हैं कि भी आपके किन किन गलियों में पानी नहीं आ रहा, तो हम उसका समाधान करना चाहते हैं, तो पार्षद जी हमें बताइए। ऐसा कुछ नहीं है। मैंने पत्र SC साहब को भी लिखा, एक्सिन को भी, SGO को भी, और मैंने DC कार्यालय में भी मेल से मैंने अवगत कराया है कि भी मेरे वार्ड में पानी की दिक्कत है, सीवर जाम है, कृपया मानसून आ रहा है, मानसून से पहले इन सब की सफाई करवाएं। लेकिन कोई भी जू नहीं रेंग रही अधिकारियों के कानों पे। आखिर में हमने ये फैसला किया है कि अब हम किसी अधिकारी के पास नहीं जाएंगे, क्योंकि हम जा जा करके लिखित दे दे के थक चुके हैं। अब आगे से हम हर रविवार को, ये मेरे वार्ड की और भी महिलाएं इकट्ठी होंगी, और हर रविवार को हम पुतला जलाया करेंगे। हम देखते हैं कि हमारी पुतले की आँच कब चंडीगढ़ पहुंचती है और कब चंडीगढ़ से आदेश आते हैं और कब ये हमारी समस्या का समाधान होता है। आज हमने जो पुतला फूका है वो हमारे जन स्वास्थ्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी हैं, उन्हीं का हमने आज पुतला जलाया। चरखी दादरी से प्रदीप शाहू की रिपोर्ट।